सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुपर कमांडो ध्रुव की इस सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम आप पढ़ सकते हैं। 3 पार्ट की सीरीज है, खूनी खानदान, अतीत और जिक्सा। सुपर कमांडो ध्रुव की जो बुक्स मैंने पढ़नी शुरू करी थी 1995-1996 से मैंने शुरुआत करी थी, और जब मैं बुक्स पढ़ता था तो एक सीरीज़ का ज़माना कम था और सिंगल शॉट कॉमिक्स ज़्यादा आते थे। जैसे कि ईयर 2000 तक तो बिल्कुल सिंगल शॉट ही आए थे इस सीरीज को अगर मैं छोड़ दूँ, तो उसके बाद में जितनी बुक्स आई थी वो सिंगल शॉट कॉमिक्स आती थी, 2 पार्ट की सीरीज भी नहीं देखने को मिलती थी। ये 2000 बाद आई थी, तो ये 1987 में ये बुक्स आई थी और 3 पार्ट की सीरीज थी। 16-16 रुपये यानी कि 16 रुपीज़ प्राइस था ऑफ ईच इशू, और बहुत मतलब बहुत बढ़िया सीरीज थी। और ये खूनी खानदान जो है मेरी पहली फर्स्ट परचेज बुक थी, जो न्यू ब्रांड न्यू जो बुक्स जिसकी बात मानते हैं कि जो एक ब्रांड न्यू बुक जो मैंने पहली बार परचेज करी थी किसी दुकान से, वो खूनी खानदान थी। और परचेज भी मैंने अलग ढंग से करी थी, मतलब एक्चुअली मेरे पास में ध्रुव की एक अंधी मौत कॉमिक्स थी और बांकेलाल की इच्छा वाणी, ये 2 कॉमिक्स थे। और इसलिए आपने मेरे वीडियोज भी देखा होगा, ये बुक्स मैं कई बार लेता रहता हूँ उस नॉस्टैल्जिया को फील करने के लिए। तो इच्छा मणि और अंधी मौत के एक्सचेंज में मैंने ये हिमांशु बुक्स एंड स्टेशनर्स बीकानेर से ली थी, और वो 16 रुपये का रिप्रिंट था। मैंने कभी भी इन ये जो बुक्स हैं इनके ओरिजिनल बुक्स मैंने कभी देखी नहीं, वो एक रिप्रिंट था। तो रिप्रिंट होते रहते हैं आज कॉमिक्स में। 1987 में बुक्स आई थी और उस समय काफ़ी रिप्रिंट होते थे, बहुत ज़्यादा बिकती थी ये बुक्स। खूनी खानदान, अतीत और जिक्सा ध्रुव की पैटर्नल स्टोरी है, या मैं बोलूँगा उसका जो अतीत है, उसका जो इतिहास है वो उसमें था। अब एक और सीरीज आई थी 2015-16-17-18 में, मतलब 15 से लेकर 18 का जो पीरियड था, बाल चरित, तब इसका ग्लोसी वर्जन प्रिंट हुआ था। यानी कि ये जो ग्लोसी का ये देखिए, बाल चरित का फर्स्ट पार्ट हंटर्स इसमें ऐड दिया हुआ उसका। तो बाल चरित जैसे ये 3 पार्ट की सीरीज है, तो वो 6 पार्ट की सीरीज बनाई गई थी, और इसमें हर इशू में 64 पेजेस हैं। उसमें हर इशू में 96 पेजेस थे, और लास्ट का जो इशू था उसमें तो 160 पेजेस थे, तब जाके स्टोरी कंप्लीट हुई थी वो। इसमें जो पिताजी की स्टोरी है उसको उसका बैकग्राउंड लिया गया था, और 2015 में फिर से ऐसा हुआ था उसमें माताजी की जो स्टोरी थी। और दोनों अपने आप में बेस्ट सीरीज है, और मोस्ट बेस्ट सेलर या जो भी मान सकते हो मोस्ट वांटेड सीरीज में से एक है। 2015 में जब हंटर्स कॉमिक्स ऐड आया था ये देखिए, और बाल चरित्र सीरीज पे काम हुआ था, तब फिर से इस सीरीज को एक ग्लोसी में प्रिंट किया गया था। मतलब ये जो बुक्स है वो ग्लोसी में है, पहले मैपली तो पेपर्स में बुक्स आती थी उस समय में प्रिंट होते, ये एक रिप्रिंट है 60 रुपये जो इस पर प्राइस लिखा हुआ देखिए। तो 16 रुपये 1997 से लेकर ईयर 2000 तक जो भी रिप्रिंट हुए थे वो 16 रुपये के हिसाब से रिप्रिंट हुए थे। ईयर 2000 के बाद में अगर कभी कोई रिप्रिंट होता है तो उस पर 30-40 रुपये ऐसे प्रिंट होती है। ग्लोसी में फर्स्ट टाइम 2015 में रिप्रिंट हुआ था, 15-16 के आसपास, और ये एक्चुअली 18 का रिप्रिंट है। इसमें शील भंग का ऐड है जो कॉमिक्स 2018 में आने वाली थी, तो ये वो एक रिप्रिंट है। और पहली बार कलेक्टर एडिशन छापा गया, तो पहले 2015 जब आया, जब बाल चीज प्लान हुए थे, ये चल रही थी, तब खूनी खानदान का एक संग्राहक संस्करण और इसी का एक डाइजेस्ट प्रिंट किया गया था ग्लोसी में। उसके बाद फिर ये पेपर बैक्स प्रिंट किया गया था इंडिविजुअल। तो ये 3 फॉर्मेट उसी टाइम के हैं, 2015-16-17-18 के। और ये जो कलेक्टर एडिशन है एक और, ये 2021 का एक प्रिंट है जो कि मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रिंट किया गया है, और राज कॉमिक्स का विभाजन होने के बाद में, यानी 2020 के बाद में ये जो प्रिंट्स हैं ये लास्ट प्रिंट्स हैं। 2020 में ये प्रिंट आए थे, तो ये सीरीज कई बार प्रिंट हो चुकी है। 2020 का ये एक रिप्रिंट है, यानी कि ये एक राज इनमें से सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी सारे प्रिंट्स ओल्ड राज कॉमिक्स के हैं। बस ये कि ये 2015 के प्रिंट्स हैं, ये 2018 का प्रिंट है, ये 2020 के प्रिंट्स हैं, और ये 2021 का प्रिंट है। बहुत ज़्यादा कोई इनमें अंतर नहीं है, बट हाँ ये है कि ये मनोज गुप्ता जी के इसमें मोहर लगी हुई है। क्या क्या डिफरेंस देख लेते हैं। और संग्राह संस्करण की बात करें, तब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था। इस पर 60 रुपये जो प्रिंट है, तो खूनी खानदान अतीत और जिक्सा 180 रुपये के होते हैं। इसी का संग्राह संस्करण अगर आप देखेंगे 2015 में, तो ये देखिए 180 रुपये लिखा हुआ है, बस बात खत्म। मतलब ये भी 180, ये भी 180, जबकि इसमें आपको हार्डबाउंड मिल जाता है, और उसके अलावा आपको जो है बुकमार्क मिल जाता है। तो उस समय मैं अपनी खुद की सोच बताऊँ, 15 से लेकर 18 के बीच जो मेरी सोच थी, मैं सोचता था इसमें कोई आसान थोड़ी है, मैंने कहा इसमें बायर जो है अपने हिसाब से बुक खरीदता है, और कई बार वो खुद भी गलत डिसीजन ले लेता है। कई बार ये वाली बुक ले ली कि यार चलो ध्रुव का आती थी वही बुक होगी, देख लेते हैं। फिर पता लगता है कि इससे पहले भी एक बुक थी, इसके बाद भी बुक थी जिसमें था, तो मैंने बुक खरीदी तो मुझे बाद में पता लगा इसके नेक्स्ट पार्ट अतीत था, और उस अतीत का ऐड जो ये वाला ऐड है, ये एक
नागराज जी कॉमिक्स इच्छाधारी के रिप्रिंट में मैं देख चुका था, तो मुझे लगा था ये बुक कभी पढ़नी चाहिए। फिर बाद में समझ में आया कि इसका नेक्स्ट पार्ट था, और उस टाइम पता नहीं क्या क्या था इन्होंने उस समय इन सब पे समाप्त लिखा हुआ था, जबकि ये बिल्कुल साफ साफ एक सीरीज थी। पहली बार इसको सीरीज का दर्जा 2015 में मिला था जब ये रिप्रिंट हुई थी, उसमें साफ साफ पीछे लिखा हुआ आया था कि क्रमशः है और कथा जारी है नेक्स्ट पार्ट में। ये देखिए, क्रमशः शेष कथा जानने के लिए पड़े जिक्सा। इसका मैंने पहले जो बुक्स आई थी एक्चुअल में और उसके जो रिप्रिंट आए थे उसमें साफ लिखा था समाप्त समाप्त समाप्त, मतलब कि मैं देखता रह गया था। जब मैंने खूनी खानदान फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो इसमें लिखा हुआ था कि मुझे मेरा अतीत जानने के लिए जाना ही होगा फ्रांस। ये देखो उसके और उसके शहर लियोन में या तो मुझे मिलेंगे मेरे सारे जवाब या फिर मिलेगी मौत, और यहाँ लिखा था समाप्त। मैं देख एक बार समझ नहीं आया, धीरे धीरे एक्सप्लोर किया तो समझ में आया ये कोनी खानदान नेक्स्ट पार्ट आती है तो उसका नेक्स्ट पार्ट है जिक्सा। क्या जो भी है, और पता लगा लिया था इसमें करेक्टर जिक्सा का वर्ड आता था, तो ऐसे ऐसे हम कनेक्ट करते थे उस जमाने में, इसे कम होते थे। तो 2015 का मैं बता रहा हूँ, 15 का ये जो कलेक्टर एडिशन है या 18 के जो भी रिप्रिंट्स है, तो उनका हिसाब किताब राज कॉमिक्स ये होता था कि यार लव कोई अगर एक साथ लेना चाह रहा है तो उसके थोड़े पैसे कम कर देते हैं, तो अगर आप 3 पेपर बैग लोगे तो आपके 180 रुपये खर्च होंगे। तो उन्होंने इसी इन्हीं पेपर बैग से डाइजेस्ट के फॉर्म में बाइंड कर दिया, तो 20 रुपये कम भी कर दिए, 6×18 होता है तो 160 रुपये, 180 नहीं है तो कलेक्टर एडिशन 180, यानी कि आप 3 एडिशन ले सकते हो, या तो 180 रुपये में 3 पेपर बैग ले लो या 180 रुपये में कलेक्टर एडिशन ले लो। तो पब्लिशर का फायदा ये होता था कि तीनों बुक एक साथ बिक जाती थी तो उनका स्टॉक खराब नहीं होता था, सीरीज की सीरीज बिकती थी, और बायर को ही फायदा होता था कि तीनों एक साथ इकट्ठी होने की वजह से आपको गत्ता मिल जाता था। और खैर ये इसमें ना ये एक चीज़ है मैं आगे बताऊंगा, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अवेल्यूबल और कॉस्टली बन जाता है आज के डेट में। और फिर जो है डाइजेस्ट में भी उन 20 रुपये कम कर दिए कि भाई तुम 3 खरीदोगे हमको 3 गत्ते लगाने पड़ेंगे, एक ले लो। और इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ और आप नोट कर पा रहे होंगे, जब आप ऐसे पेपर वैक्स लोगे तो आपको ओल्ड रिप्रिंट मिलेगा। इसमें इन्होंने अनुपम सिन्हा जी से नया कवर बनाया था 2015 में, तो एक तरीके से ना इसको एक ओरिजिनल चीज़ मान सकते हैं, मतलब ये एक ओरिजिनल प्रिंट है, ये रिप्रिंट की श्रेणी में आ सकते हैं, बट ये एक ओरिजिनल प्रिंट है। क्यों? क्योंकि उस समय ये फर्स्ट टाइम ग्लोसी में प्रिंट हुआ था, उस समय ये पहली बार डाइजेस्ट प्रिंट हुआ था ऐसा, और उस समय पहली बार ये कलेक्टर एडिशन प्रिंट हुआ था विद बुकमार्क। तो ये बात है, आज के ज़माने में तो ना कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो गई है। आज के ज़माने की बात करें तो 2020 में ये जो लास्ट रिप्रिंट आया है खूनी खानदान जिक्सा का, वो 80 रुपये का रिप्रिंट आया था, 80 रुपीज़ का लास्ट, 80 से महंगा नहीं आया। उसके बाद जो मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट किया इसको, तो सेम ये रिप्रिंट 120 रुपये का आया। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए सेम इसी का ये बना हुआ है, इस पर मनोज गुप्ता जी की सील होगी, 120 रुपये का आया, यानी कि 2020 में 80 रुपये का और 2021 में जो है आपके 120 रुपये का। तो फिर और अगर इन तीनों को जोड़े तो ये होता था 12×36 360 रुपये, जैसे कि यहाँ मैंने अभी जोड़ के दिखाया आपको कि 6×18 180 रुपये, ये लिखा हुआ 180 रुपये या फिर 160 रुपये, 20 रुपये कम, क्योंकि ये डाइजेस्ट करता नहीं है इसलिए और बुक मार्क नहीं। और यहाँ पे ना लेकिन 2020 का जो एंड था, 2020 के एंड में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ऐसे ग्लोसी रिप्रिंट तो मिल जाते थे कुछ स्टोर्स पे, बट ये दो चीज़ नहीं मिलती थी, ये इतनी रेयर हो गई थी 2020 के दिसंबर के। मुझे याद है कि मेरे पास था ये वाला कलेक्टर एडिशन और ये मुझसे किसी ने ले लिया था, और उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, मैं फेसबुक पर भी नहीं था बाय द वे उस समय, दिसंबर 2020 मतलब 2015 से 2020 तक का जो समय था मैं फेसबुक में नहीं था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या चल रहा था। उन्होंने ले लिया था तो मैं खुश भी हुआ था, बता मैंने सोचा कि ये हार्डबाउंड में मज़ा नहीं आता पढ़ने में, तो ये 3 अलग अलग खरीदूंगा। तो मैंने ये डिसीजन किया था इसको सेल करने के बाद में, जो शायद मैंने उस समय 200 के आसपास कुछ किया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही सस्ता था, मतलब जैसे 180 रुपये प्रिंट है तो मुझे लगा वायर इसमें ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, और उससे मैंने ये पेपर बैग्स खरीदे थे फर्स्ट टाइम, ये एग्जैक्टली ये वाले 80 रुपये वाले, तो मैंने कहा तो सस्ता पड़ गया, इससे जितने में ये सेल हुआ था उतने में ये मुझे मिल गए, और मैंने कहा अलग अलग मिल गए, मुझे नहीं पता था काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था उस समय, क्योंकि ये अनुपम सिन्हा जी की सिग्नेचर वाला मिलता नहीं है। खैर मैं थोड़ा आगे आता हूँ, तो मतलब उस समय ना ये चीज़ें रेयर कैटेगरी में आ गई थी, कलेक्टर एडिशंस ये तो मिल जाते थे, कलेक्टर एडिशंस बिल्कुल नहीं मिलते थे उस समय 2020 का जो एंड हुआ था या 2021 शुरुआत हुई थी। और ये बातें मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में हो गई थी, कोरोना का टाइम चल रहा था, लोग कॉमिक्स को जीना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, तो काफ़ी से हो गई थी, बहुत ज़्यादा इनकी हाइप क्रिएट हो गई थी, ये तो बहुत महंगा मिलता है अभी भी, अलग अलग जो सेलर्स होते हैं उसको अलग अलग प्राइस में इसको सेल करते हैं। हालांकि मेरे को ये लॉस हुआ कि मैंने इसको वापस जब रीस्टोर करा है, अभी आपने रिसेंट वीडियोज़ देखा होगा, मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा है, पर फिर भी मैं उस चीज़ को वापस जीना चाहता था, मैंने इसको लिया फिर उसे। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मनोज गुप्ता जी अपने लाल मोहर के साथ में कलेक्टर एडिशन लेकर के, और जो भी मोस्ट उस समय के जो बेस्ट सेलिंग थे, चाहे खजाना है जो है, और भी कुछ लाए थे, त्रिफन रेगुलर नए लाए थे या फिर नगायण,
ये सब महंगे बिकते थे। तो उन्होंने उनको इस चीज़ को रियलाइज करके इन तीनों की जो प्राइस होती थी 120, 120, 360 रुपये, पर इसकी प्राइस देखो इन्होंने क्या रखी, 649, 650 रुपये, या जस्ट डबल डबल प्राइस उन्होंने रखा। तो कैसे जस्टिफाई होगा मतलब? तो उन्होंने इसके साथ एक नोवल्टीज का सेट भी दिया था, वो भी मेंशन करना है पे जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या हम कलेक्टर एडिशन को वैसे वो मिस आउट कर देते हैं। खैर जो भी है, तो फिर भी हम खुश थे क्योंकि उस समय ये चीज़ें मिलती नहीं थी। और मैं तो मेरे साथ अब देखो बहुत क्लोज गैप रहा है, 2020 में मेरे से ये लॉस्ट हुआ, दिसंबर 2020 में बात चल रही थी, आई थिंक जनवरी 2021 में, और शायद 2021 के एंड में ही आ गया था, इसमें प्रिंटिंग लिखी भी होगी कब की प्रिंट है। मेरे को बहुत बड़ा लॉस उसमें फील हुआ था क्योंकि मैंने इसको काफ़ी कॉस्टली ले लिया था, अगस्त 2021 का प्रिंट है ये, तो जनवरी 21 में मैंने इसको लॉस्ट किया होगा या दिसंबर 20 में, बड़ा अगस्त में बहुत ज़्यादा कोई गैप नहीं है, एक साल गैप भी नहीं, 6 महीने का गैप है। और उसके बाद में क्या हुआ था कि फिर जब मैंने इसको लिया, फिर आप जब के पास जब नहीं थे उस समय लोग तड़प रहे थे कि यार हमको कलेक्टर एडिशन मिल जाए कोनी खानदान का या नागायण का या कुछ और कलेक्टर खजाना वाला। तो जैसे ही इनके प्री ऑर्डर्स आए, लोगों ने मतलब जी खोल के प्री ऑर्डर करे, कोनी खानदान, खजाना, त्रिफना, ड्रैकुला, आई थिंक ये कुछ थे, तो लिए उन्होंने कलेक्टर एडिशन। और उसके बाद आज कंडीशन ये आ गई है, आज की डेट अगर आप बात करो तो इन कलेक्ट्रेशन को कोई नहीं पूछता, ये जो 650 रुपये से प्रिंटेड है इसको अब कोई अभी इस समय नहीं, मतलब डिपेंड समय समय की बात होती है कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है कौन सी नहीं, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई, कौन चीज़ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, इसकी ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है कौन सी अवेलेबल नहीं है। अगर आज जैसी बहुत सारी अवेलेबल हो जाए तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। बट हाँ, दोनों कलेक्ट्रेशन अपने आप अच्छे हैं, मैंने ये नोट किया अगर डिस्पाइट फ्रॉम दिस चीज थिंग्स। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है बुकमार्क भी देखो डिफरेंट है, मैं सारी सारी चीज़ें कवर करूँगा, थोड़ी थोड़ी देर में कवर करता हूँ इन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब क्या हुआ कि 2015 में जब या जब बालचर से जाने वाली थी 15-16 में, ठीक है, आई एम सॉरी, मैं 15 बड़ी सर ने कुछ 2014 लिखा हुआ है, तो 14 के लास्ट में क्या हुआ, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि ये जो हंटर्स अब वो 2015 में आई थी। फिर ये एक एक, एक ये भी बातें हो सकती है, मैं ऐड करता हूँ उसके अंदर, ये भी इसमें हो सकता है कि सबसे पहले कलेक्टर एडिशन आया हो, क्योंकि इस पर सर्वनायक वर्ष 2014 लिखा हुआ है, एंड में आया होगा, उसके बाद इन्होंने मे भी डाइजेस्ट निकाला हो और उसके बाद इन्होंने जो है पेपर वेक्स निकाले हो, क्योंकि ये बिल्कुल अतीत का। तो आते आते देखिए ये जो है इसमें शील भंग का ऐड है, और वो 18 वाली सीरीज मुझे साथ दिखी, देखो ये दिख रहा है इसमें, ये कलेक्टर एडिशन उस समय आए थे, तो बहुत ही एक इस समय के जो है ये अब 15 से 18 के बीच में जो भी कलेक्टर एडिशन और ऐसे डाइजेस्ट प्रिंट हुए, इनकी बहुत इसकी भी काफ़ी वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, मतलब आप ये देखो ये जो डाइजेस्ट है इसकी वैल्यू इन सबसे बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। और ये भी मैंने अभी रिसेंट सब कुछ रिसेंटली परचेज किया है, सामने आपने मेरे वीडियो देखे होंगे। तो एक्चुअली मेरा एम ये था कि मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता था कि एक्चुअली पुराना जो कलेक्टर एडिशन है नया जो कलेक्टर एडिशन में एक्चुअली डिफरेंस है क्या, तो आइए उसकी बात करते हैं। और हाँ, 15 का ये जो 18 की जो रिप्रिंट्स थे उनमें बहुत अच्छा ग्लोसी में प्रिंट हुआ था, बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट हमको मिला था, लेकिन ये था कि उस समय के जो रिलेवेंट ऐड आपको देखने को मिलते थे। बालचरित सीरीज शुरू हुई थी उसका पहला ऐड ये रहा हंटर्स, ये देखिए 15 में, और एंड हुई थी उसका एंड पार्ट था डेड एंड, उसके बाद आई थी शक्ति रूप श्रृंखला। तो ये मतलब उसी समय का एक पूरा है सारा, आपको इसमें दिख जाता है उस समय के जो जो कॉमिक्स आने वाले थे आ रहे थे उन सबका ऐड आपको इसमें दिख जाएंगे, देखिए इस तरीके से। तो वो ऐड आते थे, लेकिन एक चीज़ और हुई दिसंबर 2020 का जो काल था, लोगों ने बोला हमको ओरिजिनल प्रिंट्स चाहिए, ओरिजिनल प्रिंट्स की डिमांड बढ़ी, बहुत बड़ी और बहुत कॉस्टली बिके भी, और मतलब पर नोट हर किसी के नहीं, जैसा हमेशा हर किसी मार्केट में होता है, या फार्मर्स का आपने सुना होगा, क्रॉप्स वगैरह के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि भाई फार्मर को कभी उचित मूल्य नहीं मिल पाता और जो है वो और हमेशा बाहर को महंगा मिलता है, वो सब चीज़ें जो आप समझते हो वैसा हर जगह होता है। कॉमिक्स में भी ऐसा नहीं है कि जब किसी चीज़ डिमांड बढ़ती है तो वो चीज़ महंगी बिकती है, मतलब उसके लिए नहीं बिकती, जिसको अवेयरनेस होती है वो बड़ा अजीब सा इसमें सब चल रहा है। तो खैर बहुत डिमांड बढ़ी, तो लोग कहे कि हमें को ओरिजिनल जैसा ही चाहिए, पब्लिशर तक की बात पहुंची। और जब उन्होंने 2020 में जब ये रिप्रिंट निकल रहे थे, 20 का जो एंड आने वाला था, राजकुमार सब विभाजन होने वाला था, तब ऐसे प्रिंट्स की डिमांड बढ़ गई जो बिल्कुल ओरिजिनल को रिस्टोर करे थे, जैसा ये 1997 में आया था जो कि मैंने कभी नहीं देखा था, बिल्कुल वैसा, इसके पीछे अतीत का एड है, सब कुछ बिल्कुल वैसा वैसा प्रिंट किया है, जो चीज़ रिस्टोर हो सकती थी उसको रिस्टोर करा है, और जो है कुछ चीज़ें स्कैन करी हैं, ऐसा किया है। जैसे ये ऐड है देखो, ये पूरी तरीके से स्कैन है, देखो आपको इसमें थोड़ा सा ब्लर ही दिखेगा, हालांकि इस पर भी और मेहनत की जा सकती थी, पर वो फिर वही कि कितनी मेहनत कितनी वर्थ होती है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारे ट्रेडिंग कार्ड्स अभी निकाले हैं संजय गुप्ता जी ने बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में, इनको भी रिस्टोर किया जा सकता था, पर बहुत मेहनत लगती है उसमें,
और बहुत अच्छी क्वालिटी का एक रिप्रिंट आ सकता था। मतलब अभी भी एक संभावना बनी है, इसका एक बेस्ट कलेक्टेड एडिशन अभी आना बाकी है, मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये प्रिंट हुआ, तो अभी ये जो है ना डाइवर्स टाइप के मेरे पास पेपर बैग्स हैं, ये 2020 वाला है विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स एंड जो सब कुछ होता है, ये भी 2020 वाला ही है। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल सब कुछ जैसा आया था वैसा वैसा डिस्टोर के आपको फीलिंग देने के लिए। ये 2018 वाला है या 15-16-17 वाला है, जिसमें आपको एड वो मिलते हैं लेकिन इसमें कंटेंट वो मिलेगा आपको जो इनमें प्रिंटेड है। मतलब ये जो रेयर जो चीज़ें हैं, कोनी खानदान सुपर कॉन्टो का डाइजेस्ट प्लस कोनी खानदान का कलेक्टेड एडिशन विद अनुपम सिन्हा सर और विनोद जी जो जो इसके आर्टिस्ट हैं और इंकर हैं उनके सिग्नेचर के साथ में, वो वाला क्वालिटी इसमें मिलेगी आपको, तो थोड़ा सा ऐसा ही अलग फील आता है। और ये हमारे मनोज गुप्ता जी वाला कलेक्टर एडिशन, ये जब बनने वाला था 2015-18 में, तो अनुपम सिन्हा जी ने कवर बनाया था और मैंने फेसबुक पे उनको फॉलो किया था उस समय, मुझे पता है 13 से मैं उनको फॉलो करता था, निगेटिव्स जब आई थी 2013 से मैं उनको फॉलो करा था फेसबुक पे, मैं पहली बार फेसबुक पे देखा उनको 13, मैंने बताया ना कि 15 से 20 तक मैं ही था, तो 13 वाला जो टाइम था मैं था उस समय फेसबुक पे। ये कवर अनुपम सिन्हा जी उस समय पेंसिल से ड्रॉ कर रहे थे और मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था उस समय कि ऐसा एक कलेक्टर एडिशन आएगा जिसमें ये चित्र बना हुआ होगा। लेकिन जब कलेक्टर एडिशन आया तो मैं देखते रह गया कि चित्र कुछ दूसरा था और मुझे सच में ये वाला कम पसंद आया था, मुझे ये पहले बना हुआ ज़्यादा पसंद आया था। उसमें विनोद जी की इंकिंग थी, इसमें जगदीश कुमार जी की इंकिंग, तो मुझे विनोद जी वाली इंकिंग ज़्यादा पसंद आती है अनुपम जी काम पे। और वो एक्चुअली ऐसा दिखता अगर आता आया नहीं था, हालांकि अगर आता तो वो आपको ऐसा दिखाई देता डबल स्प्रेड में, जैसे ये डबल स्प्रेड कवर इसको बोलते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे। जैसे कि ये देखिए इसकी भी स्टेज दिखा रखी है, जैसे ये जो कवर बना होगा पहले अनुपम जी ने पेंसिलिंग करी होगी ऐसे, फिर उस पर जगदीश कुमार जी ने इंक करा, फिर उस पर फ्लैट कलिंग होती, फिर भी डिफेक्ट हो, ये डबल स्प्रेड बन जाता है। तो फ्रंट में ये पार्ट दिखाई दे रहा है देखो, और बैक में जो आपका इसका बचा हुआ पीछे वाला पार्ट दिखाई देगा ऐसे, ऐसे डबल स्प्रेड बनता है। तो बनना था ये, और इसमें इसका रीज़न भी दिखा रखा, मनोज गुप्ता जी ने बताया इसका कलेक्टर एडिशन में, इसमें एक्शन नहीं था, किसी को मारपीट नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि वो बना हुआ, तो ये कवर एक तरह से वेस्ट हो गया था उस समय। और जब ये कलेक्टर एडिशन आया तो उन्होंने उसका क्या पार्ट यूज़ किया, वो जो कवर जो वेस्ट हो गया था उसके अंदर से एक आर्ट थी ये वाली, इसको उन्होंने लिया, देखो ये आर्ट उसमें थी ये वाली, ये तो ऑफकोर्स नए वाले में है, ये रहा दिख सकता है नए वाले के अंदर, ये रहा जिक्सा का जो आर्ट था वो लिया उन्होंने लेकर, कितना अच्छा बुक मार्क हमको इन्होंने बना करके इसमें दिया। और इसमें भी मतलब ज़्यादातर नए वाले कवर का यूज़ किया गया बुक मार्क में, सिर्फ एक चित्र है जो पुराने कवर से लिया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बनाया इन्होंने तो इतना मतलब उस समय का एफर्ट देखो, अब 2014 का, कि आपके ये तीन पेपर बैग 60-60 के हैं, उसको इसमें कमांड किया 160 में डाइजेस्ट, 180 में कलेक्ट्रेशन विद बुक मार्क, उसके लिए दो बार आर्ट बनवाया आर्टिस्ट से, और उसको फिर इन्होंने पब्लिश किया, और उसके अंदर ऑटोग्राफ थे। ऑटोग्राफ का रीजन मुझे आप शायद समझ में आ रहा, मुझे लगा हर किसी में होते होंगे, हर किसी में नहीं होते थे, नेगेटिव वाले में थे इसमें थे, इसका रीज़न ये होगा कि ओरिजिन स्टोरी है ध्रुव की, तो ये काफ़ी खास बन जाती है, किसी भी कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी काफ़ी खास होती है। तो इसमें मैं आपको एक स्नैपशॉट देता हूँ, ये बुक सीधी एक एक करके तीनों बाइंड कर दी गई थी, पर अगर आप इसे बाइंड करके दे दोगे तो अच्छी बात क्या होगी, आपको सीरीज में मिलेगी, और बुरी बात क्या होगी कि आप कोई फैन होते मेरे जैसे कि उनको यार फ्रंट कवर बड़ा पसंद आता है, बैक कवर का ऐड बड़ा नॉस्टैल्जिक लगता है, वो कहते हैं यार हमको तो ये कवर चाहिए थे, तो ये नुकसान हो गया अगर आपने ऐसे बाइंड करके हमको बुक दे दी तो वो ऐसा होता भी है राजकॉमिक्स में, कई बार आपको बाइंड करके देते हैं और नए कवर्स मिलते हैं, मनोज गुप्ता जी का कलेक्टर एडिशन और डाइजेस्ट में काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन इन्होंने ये निकाला, इन्होंने कलेक्टर एडिशन जो बनाया उसके लास्ट में जो है कुछ बोनस पेजेस दिए, यानी कि जब वो बुक्स एंड होती हैं यहाँ पर ये बुक्स एंड होती हैं, तो इन्होंने इसके एंड में देखो तीनों कवर दे दिए, खूनी खानदाना कवर भी दे दिया, अतीत कवर भी दे दिया, और जो है आपको जिक्सा का कवर दे दिया। और पहली बार ऐसे एफर्ट देखने को मिले कि ये जो पेज पतले हैं, मतलब जैसा कॉमिक्स के अंदर होने चाहिए, अब गत्ते की बात हो रही है तो काफ़ी मोटा और थिक होता है ये, मतलब जस्ट इनको बाइंड नहीं किया गया, मतलब एफर्ट करे गए थे बिना कवर्स के, इनको बाइंड करना है, देन कवर्स को फिर से सॉफ्ट पेपर प्रिंट करना है, और इसके अलावा एक नया एक ग्रीन पेज लिखा गया था। ग्रीन पेज क्या होता है, कॉमिक्स पहले नागराज क्योंकि ग्रीन था और फ्लैगशिप करेक्टर था, जब पब्लिशर्स को या राइटर्स को या आर्टिस्ट को कुछ बात बोलनी पड़ती थी तो उसको ग्रीन पेज बोलते थे, उस तर्ज में हर बुक के पीछे ग्रीन पेज होता था। तो नागराज हो चाहे ध्रुव कुछ भी हो, जो भी अपनी बात बोलना चाहते थे पब्लिशर्स या जो आर्टिस्ट होते थे वो ग्रीन पेज के माध्यम से बोलते थे। तो इन्होंने इसको एक तरह से नया कंटेंट बनाया, इन्होंने सोचा हम खूनी खानदान का डाइजेस्ट निकाल रहे हैं या कलेक्टर एडिशन निकाल रहे हैं तो एक नई चीज़ हम बना रहे हैं, तो उसी तर्ज पर इन्होंने इसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी आप इसको ना एक ओरिजिनल की श्रेणी में जान सकते हो, ये एक ओरिजिनल प्रिंट है इस कलेक्टर एडिशन का, ये इस कलेक्टर एडिशन का रिप्रिंट है मनोज जी की तरफ से। इन्होंने उस समय एक नया
ग्रीन पेज बनाया, इसमें दो पेज लिखे और वो जो ए आर्ट जो अनुपम जी ने पहले बनाया था उसका एकदम फाइनल विद इफेक्ट वर्जन का छोटा सा स्नैपशॉट दिया। मतलब एक्चुअली ये कवर होना था डबल स्प्रेड में, छोटा सा इतना से मिल रहा है तो बहुत ही कम था किसी भी एक फैन के लिए, बट दिखा मुझे तो। और मैं समझ गया था क्योंकि मैं फेसबुक पे फॉलो कर रहा था, मुझे पता था ये कवर आना चाहिए था। और उसके बाद दो पेज का इन्होंने दिया और इसमें कुछ कंटेंट था। लास्ट में इसमें लिखा हुआ था ग्रीन पेज संख्या 319, आपका संजय गुप्ता, राजकोमी से मेरा जुनून, एक एक पंच लाइन था। तो ये था हमारा कोनी खानदान का कलेक्टर एडिशन, जो अभी बहुत कॉस्टली, आप पता कर लेना कभी ऑनलाइन किसी ग्रुप में क्या क्या कॉस्ट इसकी होती है। ये इसके ये सिग्नेचर वर्जन है इसलिए, ओरिजिनल स्टोरी इसलिए, और ये सब चीज़ें थी इसमें इसलिए। अब आता है, ये सारा काल बीत गया, सब कुछ मैंने जो आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताई, 2020 में 80-80 रुपये के रिप्रिंट्स अवेलेबल थे, जो कि अच्छी है मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी, क्योंकि ओरिजिनल तो मैंने कभी देखा नहीं, तो एक ओरिजिनल को फील करने का मौका मिलता है इससे, आपको एग्जिट पता लगता है कि ओरिजिनल बुक कैसी आई होगी, तो वो एक अच्छा था। इसका नेगेटिव पॉइंट आप ये मान सकते हो, सब कुछ अच्छा था इन सब का, बट इन्होंने उस जमाने के ऐड डाल दिए थे। आप पॉजिटिव नेगेटिव से दोनों में ले सकते हो, अगर आपका सब कुछ सारे प्रिंट्स है तो आपको अच्छा लगता है कि उस समय का वेरियंट देखना, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट रखना चाहते हो ओरिजिनल तो ये। अब मनोज गुप्ता जी ने सारी चीज़ें समझ करके बहुत ही टेक्टिक्स का इस्तेमाल करके इसको रिलीज़ करा, और जब रिलीज़ करा था तो मैंने कहा था ना, खजाना, खूनी खानदान, त्रिफना, ड्रैकुला एक साथ रिलीज़ किए गए थे, बहुत हाइप क्रिएट हुई थी उनकी, और एक एक करके रिलीज़ भी हुए थे, बड़ी समस्या भी आई थी। और जब भी आते मैंने उमा कार्ड से चारों बुक करे थे, बड़ा काफ़ी बड़ा ऑर्डर था वो चारों ने, काफ़ी बड़ा 10-12 हज़ार का ऑर्डर किया था उस ज़माने में, और एक एक करके रिलीज हो रहे थे, मान लो खूनी खानदान रिलीज हो गया बाकी नहीं हुए। तो अभी भाई से बात हुई थी, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी, यार मेरे को ये जो है ना, आप कम से कम मेरा ऑर्डर एक या दो टुकड़ों में दे, पर उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने बोला सब सारे आएंगे तभी दूंगा। तो ये सारे के सारे एक एक करके रिलीज हुए, उसमें 1-2-3 महीने का टाइम लगा, और जब जब भी एक प्रोडक्ट रिलीज होता था तो हेलो बुक माइंड में मुझे भी याद है, बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ में, डिफरेंट स्कीम्स के साथ में आते थे, और मैं इतना दुखी होता था, मैंने कहा मैंने जो है इतना सबसे महंगा मैंने बुक किया है, फ्री बुक किया है। तो ना पब्लिशर्स की बहुत ही बेकार स्ट्रेटेजी है, और सेलर्स का भी थोड़ा कोऑपरेशन कई बार कम मिलता है, कि कोई भी इंसान प्री बुक का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पैसे लग जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स नहीं मिलते हैं, और प्लस जो है इसका सबसे बड़ा एश्योरेंस ये होता है कि आपकी कॉपी आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए, इसको मैं प्री बुकिंग समझता हूँ। बट सेलर्स उसको ऐसे क्लब करते हैं कि आपने एक ऑर्डर एक साथ किया सर, इसलिए हम आपको जो है सारे प्रोडक्ट्स आएंगे तभी देंगे। पब्लिशर की तरफ से स्कैम ये होता है कि जब उन्होंने चार बुक्स का प्री ऑर्डर एक साथ लगाया उस ज़माने में, 2021 की बात कर रहा हूँ, तो चारों एक साथ रिलीज होनी चाहिए, अदरवाइज एक एक का प्री ऑर्डर एक साथ लगाओ, मतलब इस तरीके से होना चाहिए था। तो बहुत ज़्यादा वो एक डिसअपॉइंटिंग टाइम था, और इसे कुछ अनुभव की वजह से कुछ सेलर से मैं बहुत कंप्लीटली डिसकंटिन्यू हो गया था। भाई आप देखेंगे तो मैं बहुत ही रेयर, आप देखेंगे पुराने वीडियोस अगर शुरू से फॉलो करेंगे तो डिफरेंट सेलर से मैंने उसको ट्राई किया है, बट कोई ना कोई वजह रही है किसी भी चीज़ को डिसकंटिन्यू करने की, इसको देखते पुराने याद आ गई इसलिए बोल रहा था। तो खैर, तो सारी बातों को समझते हुए मनोज गुप्ता जी ने इसका प्राइस बहुत ही दिमाग लगा करके जो है 649 रुपीज़ रखा, काफ़ी ज़्यादा रखा, बट हाँ नॉवल्टीज़ थी, और सबसे बड़ी बात मनोज गुप्ता जी की प्रोडक्ट्स की वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जो ब्लैक वाला जो सिस्टम था वो मनोज गुप्ता जी प्रोडक्ट पे कम देखने को मिला, बाकी प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि सच में ज़्यादा अवेलेबल होते थे, इवन रेलवे स्टेशन पे भी मिलते थे, नॉवल्टीज भी मिलती थी, डिस्काउंट भी अच्छे मिल जाते थे। अगर इस पॉइंट पर आते हैं तो इन्होंने आई थिंक काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश करी, बुक मार्क चेंज करा, कलेक्टर एडिशन में कुछ चेंजेस किए, फ्रंट पे जो बड़े बड़े ये लोगो थे खूनी खानदान आती जिस साथ इन्होंने नाम लिखा था उसको हटाया और उसको पीछे रख दिया, जो कि अच्छा चेंज किया उन्होंने, ताकि पीछे ये रहेगा तो ठीक है, आगे ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ पे बड़ा सा लिखा था स्पेशल कलेक्टेशन, उसको छोटा करके साइड में किया, बट वहाँ फिर अपने लोगों चिपका दिए, ध्रुव वाला जो लोगो था उसको नीचे ले लिया थोड़ा सा, ये देखिए, और फिर अपने लाल मोहर वाला और सब कुछ, यानी कि इनके पास ओरिजिनल आर्ट सेफ रहती है, तो कभी भी उसको कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए, यहाँ देखें तो सबसे बड़ा तो ये कैसे कर सकते थे, इसमें सिग्नेचर वगैरह नहीं मिलते, और अभी भी ये पेपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये एक एक मेजर चेंज था इसमें। ये इतना बड़ा डिफरेंस आया था ना, इस पे रुपये लिखे में 180 रुपये, ये है 650 रुपये का, लेकिन सच में ये बहुत कॉस्टली है, इसके चार गुना से ज़्यादा कॉस्टली है ये अभी आज रेट में, इसको अभी कोई नहीं पूछता, और अभी नहीं पूछता, मतलब डिपेंड करता है कौन सा। पीछे देखिए सेम कवर आर्ट मैंने आपको दिखा दिया, खाली यहाँ पे वेबसाइट थी पहले कॉमन जो आई एम सॉरी, ये जो है ये मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट है, तो डेफिनेटली न्यू की प्राइस पहले आगे लिखा हुआ था यहाँ पे, अब पीछे लिखना वाला लगे वो चेंज आया इसमें, और यहाँ पे वो सीरीज वाला वो क्योंकि आगे से हटा के पीछे कर दिया उसको, ये चेंज आया। बोनस पेजेस, तो सबसे अच्छी बात मनोज गुप्ता जी की ये लगी कि उन्होंने सारे बोनस पेज दिए, वो जो मैं आपको बता रहा था बोनस पेज जो आपका संजय गुप्ता वाला अगर थे उसको, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया, चेंज क्या किया आप ये बेटर है कि नहीं आप देख के बताना। इन्होंने जो है वो पीछे जो था ऐसे दिखाता हूँ, देखो ये फुल कलर्ड वर्जन में था, ये थोड़ा सा इन्होंने हल्का ब्लू अपीयरेंस लेके, ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ एक बार, मैं आगे बताऊंगा।
लेकिन उसके बाद इन्होंने उसकी कमी पूरी कर दी, उससे बेटर निकाला कि आपको फुल पेज में ऑर्डर रुक दिया। देखो ये एक थोड़ा जस्टिस हुआ, मतलब हालांकि अभी भी मैं पूरा नहीं मानूंगा, इसको डबल स्पीड देना चाहिए था, स्टिल कुछ किया। प्लस इसकी डिफरेंट स्टेज दी, पेंसिल्ड वर्जन, इंक्ड वर्जन बाय विनोद कुमार जी, और फिर बाद में फ्लैट करेंगे, देन स्पेशल इफेक्ट। फोर स्टेज होती है किसी भी कवर होने की। फिर जो नया कवर बना था उसकी भी पेंसिल्ड इंक्ड फ्लैट करेंगे दी, और विद इफेक्ट तो ये है, और प्लस कुछ इंक पेजेस दिए। तो यानी बोनस पेजेस के मामले में ये जो कैरेक्टराइजेशन मनोज गुप्ता जी वाला थोड़ा सा आगे निकल जाता है। प्लस उसमें एक चीज़ और ऐड करी, अनुपम सिन्हा जी कलम से, यानी कि जो राइटर हैं, ये चीज़ मिलती है आपको। जैसे नेगेटिव्स का जो इतना एक कलेक्टर एडिशन आपने, अगर आपको पता होगा, बहुत कॉस्टली इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें ये बोनस कंटेंट थे। और इवन मनोज गुप्ता जी ने भी इसको प्रिंट निकाला, लेकिन उन्होंने कनिंगली क्या किया, उसके बाद एक और प्रिंट निकाला, उसमें सब सब कंटेंट गायब कर दिया। तो सब कंटेंट गायब करने से फायदा क्या हुआ कि जब उन्होंने विद कंटेंट निकाला, स्टिल इट वॉज ए रिप्रिंट, तो बहुत उसकी भी वैल्यू बढ़ गई। तो ये डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू अभी कम इसलिए क्योंकि हर जगह अवेलेबल हो जाता है। अगर एकदम से इसके ये अनअवेलेबल हो जाए और इसके रिप्रिंट निकालें मनोज गुप्ता जी विदाउट बोनस कंटेंट, तो इसकी वैल्यू अपना बढ़ जाएगी। स्टिल लेना मनोज गुप्ता जी वाला इससे गुड ऑप्शन, क्योंकि ये तो हर जगह मिलता है नहीं, ये तो मुझे मिला है, पर ये जो सिग्नेचर वाला तो नहीं मिल पाता है हमेशा। पर हाँ, फिर भी एक अच्छा प्रयास था, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट उसमें निकाला था, और प्राइस ही तो पूछा। उस समय एक छोटी सी मुझे कमी और लगी थी उस जमाने में, जब ये बालचरित से शुरू हुए थे ना, एक नया फैशन हो चला था कि आप जैकेट कवर दे सकते थे। तो जो नया आर्ट बना था ना, अभी भी मेरे को ना ये सब इन्होंने एफर्ट अच्छे किए मनोज गुप्ता जी ने, मैं फिर भी इनको 80 मार्क्स दूंगा 100 में से, 100 में 100 नहीं दे पाऊंगा। मैं रीजन बताता हूँ, ये जो नया आर्ट बनाया था ना इन्होंने, वो उसको क्या करते कि फुल डबल स्प्रेड में करके उस आर्ट को, और उसका जैकेट कवर दे देते, या तो इसका मतलब एक बेस एक रखते कलेक्टर एडिशन, और उसका बनाते जैकेट कवर किसको, इस वाले को, या तो ये रख देते मेन, ये रख देते जैकेट कवर, या ये रख देते मेन जो है मेन ये रख देते, इसके ऊपर जैकेट कवर हो जाता। तो अगर संजय गुप्ता जी कुछ अभी एफर्ट करना चाहें तो वो एक कर सकते, अभी तक उनकी तरफ से सीरीज नहीं आई बाय द वे। तो ये एक एक चीज़ लगी। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं पहले था, मुझे लगा कि यार ओरिजिनल वर्जन को रिस्टोर कर पाना असंभव है, ये मैं समझ रहा था। तो मैंने कहा यार अभी बीच के ऐड वगैरह, लेकिन मैंने आपको बताया रीजन कि बीच के ऐड भी बहुत ही टैक्टफुली बहुत सुंदर हो सकते हैं, क्योंकि ये बुक्स है ना अभी बहुत जगह अवेलेबल हैं ये बुक्स का भी। तो इनको असली कवर इनके स्कैन करके इसमें सेट कर रहे हैं अगर, और ये ट्रेडिंग कार्ड्स भी मैंने देखे हैं संजय गुप्ता जी के, इनको भी अगर एक एक करके स्कैन करके सेट करना, बहुत बहुत हाई क्वालिटी का ये बन सकता है अभी भी। या फिर मनीष गुप्ता जी को अगर उनको आइडिया है, वो मैं खैर उनको भी सजेस्ट करूँगा कि खूनी खानदान का जो है ना उसमें कुछ कमियाँ भी हैं, ये 80% है, मतलब फिर भी है ना मनोज गुप्ता जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था कि जब जो भी गलती की हो नहीं की हो, जिन लोगों पास ये नहीं था, जो लोग इसको लेना चाहते थे उसको इमीडिएटली सेम फीलिंग के साथ बुक मिली। ये एक और ऐड करूँगा कि ये जो था ना 2015-16-17 वाला, उसमें ग्लोसी काफ़ी था, अच्छा प्रिंट था, इसमें थोड़ा मैट फिनिश को लिए हुए था। ये है, पेज थिन है, मैट फिनिश वाले हैं, और इनके जो 80-80 रुपये के पेपर बैग्स आए थे जस्ट इससे पहले नोट मनोज गुप्ता जी लोग, वो थोड़े उनके काफ़ी थिक पेपर थे, पेपर थिक थे मतलब। तो ये इन पेपर क्वालिटी तो अलग अलग मिलेगी आपको, ये जितने प्रोडक्ट मैंने आपके सामने रखे हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको। थिन ग्लोसी इन तीनों में सेम मिलेगा, 1, 2, 3 बिल्कुल सेम है, एक ही टाइम का वही पेपर वेक का वही डाइस होगा। अच्छा एक बात और इसमें ऐड करूँगा कि मैंने आपको बता दिया कि जो इन्होंने कलेक्टर एडिशन निकाला 160 रुपये का मात्र, और 180 का और 160 का ये निकाला डैश। अब डाइजेस्ट में क्या नहीं है, सिर्फ गत्ता नहीं और बुक मार्क नहीं है, वरना सब कुछ सेम रखा। सोचो मैंने अब दिमाग एक दिन लगाया, मैंने कहा डाइजेस्ट में आपको नया आर्ट भी तो मिलता है अनुपम सिन्हा जी वाला, और इवन इसमें बोनस पेजेज है। अभी ये चीज़ हमको मिसिंग मिलती है आज की डेट में भी, जबकि डाइजेस्ट और कलेक्टर एडिशन इतने कॉस्टली हो गए ऐसी कोई सीमा नहीं है। देखो इसमें सब कुछ सेम है, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये जो डाइजेस्ट है 160 रुपये का, देखो इसमें ये प्लस देखो आप तीनों कवर पीछे दिए गए, फिर वही ग्रीन पेज 319, मतलब ये एक मतलब बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस था। इवन इसमें एक कुछ चीज़ ज़्यादा भी होती है, जैसे कलेक्टर एडिशन में यहाँ पे अस्तर लगा होता है, डाइजेस्ट में आपको यहाँ पे भी कुछ बोनस कंटेंट मिल जाता है। देखो हंटर्स का ऐड है, कितना अच्छा लग रहा है, या फिर नरक नाशक का ऐड है, वो एकदम तो काफ़ी अच्छा एहसास हुआ इसको देखना मुझे। हालांकि अभी के ये जो मैं ये रिसेंटली मैंने अनबॉक्स करी है, काफ़ी कॉस्टली मिली है, उस जमाने में इसे खरीदी होंगी। इवन मैंने वेबसाइट भी देखी हुई है, ये उस जमाने में बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल जाती थी, 30-30% डिस्काउंट मिल जाता था, और बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते थे राजकुमार की वेबसाइट पे। तो वो एक जमाना अलग ही था मतलब। और अभी इस वक्त जो सबसे मोस्ट वेटेड जो वांटेड करेक्ट जो चल रहे हैं प्रोडक्ट्स इस वक्त, वो इसी जमाने के हैं। ये कलेक्टर एडिशन हैं, या फिर ये जो डाइजेस्ट हैं, या इस जमाने पेपर वेक्स वगैरह, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इन चीज़ों को, इवन इनसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कई बार तो डाइजेस्ट की प्राइस कलेक्टर एडिशन ज़्यादा हो जाती है, ये भी आप देखेंगे। तो ये चीज़ें थी। तो मैं एक्चुअली मैंने ये परचेज किए थे रिसेंटली, और फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी था, सिर्फ अनबॉक्स करके अलमीरा में डाल देता था। बरसात के सीज़न में पॉली बैग में मैं खुद नहीं कर पाता, इतना टाइम भी नहीं मिलता था, कई बार ऐसा हो जाता है।
मेरा मन था इनको, तो मैंने अलग अलग जैसे इनको फिर से मैंने अनबॉक्स करके डाल दिए थे। जैसे कल अरे मैं अरेंज कर रहा था तो मैंने मतलब इंटेंशनली इनको अलग निकाला, मैंने कहा देखता हूँ, मैं खुद देखना चाहता था कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो एक फाइनल मैं इसको वैलिडिटी देता हूँ, खुनी खाना अतिशा बैक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी बनाई थी अनुपचना जी ने, और उस जमाने की स्टोरीज काफ़ी सिंपल हुआ करती थी, येट बहुत एंगेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं इतना उस समय मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, मैं छोटा बच्चा था, मेरे को लगता था सुपर हीरो होना चाहिए, उसमें पावर्स होनी चाहिए, सुपर विलेंस आने चाहिए, ध्रुव भी हो तो उसमें ग्रैंड मास्टर रोबो आ रहे हैं, किरी आ रहे हैं, महाकाल जो कॉमिक्स था ना वो, इससे जस्ट पहले महाकाल कॉमिक्स आई थी, सुपर नेचुरल कुछ हो रहा है। मैं बड़ा, मैंने कहा ये क्या स्टोरी है यार, पिताजी की स्टोरी है, फ्रांस जा रहा है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना। आज भी मुझे याद है ये कॉमिक्स मेरे थी, इसको इतनी बार पढ़ा है कि आज भी जब भी मैं सीरीज हाथ में लेता हूँ, परचेज करता हूँ, तो मैं इसको नहीं पढ़ पाता हूँ, इतनी बार पढ़ा हुआ, इसका एक एक फ्रेम मेरी आंखों में छपा हुआ है, एक एक फ्रेम, हमेशा मैं इसी से शुरुआत करता हूँ पढ़ना। तो ये बहुत अलग किस्म का नॉस्टैल्जी है, आज के ज़माने में भी संभव बिल्कुल नहीं। ये ऐसी जो सीरीज बनी ना, बहुत अच्छी सीरीज बनी है, आजकल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इवन अनुपम सिन्हा जी की भी जो आर्ट और लेखनी है थोड़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गई है। मतलब ये बहुत एक अच्छी प्रोडक्ट बनाया था उन्होंने 1997, बहुत अच्छी सीरीज बनाई थी, मुझे अभी पसंद है वाली। हाँ बस एक फाइनल मैं देता हूँ कि इन दोनों में एक डिफरेंस और है, जिसे मैंने बताया कि इसमें तीनों कॉमिक्स बाइंड है और लास्ट में कवर है और वो एक ग्रीन पेज है, बस दैट्स इट। और अच्छी ग्लोसी क्वालिटी में है, डाइजेस्ट सेम ही है बिल्कुल, बस ये कि यहाँ पे हमको हमारे पास जो है आर्टिस्ट के सिग्नेचर मिल जाते हैं, ये इससे हज़ार पॉइंट आगे निकल जाता है। जैसे कि आप एक डेस्कटॉप और लैपटॉप को कंपेयर करोगे तो डेस्कटॉप में बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, बहुत पॉकेट फ्रेंडली होता है, सब कुछ होता है, बस लास्ट में एक चीज़ होती है लैपटॉप की जो पोर्टेबिलिटी है, वहाँ पर वो सबसे आगे निकल जाता है। यहाँ पर इसका सबसे आगे निकलने का कारण है ये सिग्नेचर्स यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, अच्छा भी है, मतलब अगर दोनों कलेक्टरेशन होते हो तो आप बोर नहीं होते हो। यहाँ पर आप उन्हें देखो, एक तो आपको ना शुरुआत एक अच्छे से होती है क्रेडिट पे, जिससे उन्होंने आर्ट का भर भर के इस्तेमाल करा है हर जगह पे, वो जो आर्ट जो अनयूज रह गई थी उसको जबरदस्त यूज़ किया इन्होंने। मनोज गुप्ता जी इसमें काफ़ी माहिर है, जो ऑलरेडी अवेलेबल आर्ट्स होती है उनको लेस यूज होती है, उनको मोर यूज़ कर लेते हैं। और ये कवर देख लीजिए आप किस तरीके से इनको सेट किया गया है, तो पूरा क्रेडिट्स दिए गए हैं, एक अच्छे से शुरुआत होती है। उन्होंने पुराने में क्या सीधा एक डायरेक्टली कॉमिक्स का पहला पेज स्टार्ट हो जाता था, और एक लास्ट और हर कॉमिक्स से पहले उसके कवर्स और बैक कवर दिए गए, वो एक अलग तरीके का वो आता है। जैसे ये जिक्सा कॉमिक्स है तो पहले इसका फ्रंट कवर दिया और बैक कवर भी ऐड किया है, वो कभी ऐड नहीं होते थे, जो पुराना जो कलेक्टरेशन था उसमें सिर्फ फ्रंट कवर था, इसमें फ्रंट कवर भी है, इससे कंपेयर कर लीजिए आप, बैक कवर भी है और इसके अंदर का कंटेंट भी है, ये एक बहुत रेयरली मिलता है। ये देखो ऐसे, जैसे अगर आप जो पेपर बैग्स की जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है वहीं से आती है, यहाँ पे जो सारी डिटेल्स होती हैं, इवन जो बैक कवर के पीछे जो ऐड है तानाशाह का, ये चीज़ ना कईयों को पसंद आती, कईयों को नहीं आती, मुझे बड़ी पसंद आती। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है, ये चार पेज मिलते हैं इसमें, उस वाले में सिर्फ एक पेज मिलता है वो भी लास्ट में। तो इसमें हर बुक की शुरुआत में फ्रंट कवर बैक कवर है, पूरा का पूरा ओरिजिनल वर्जन रिस्टोर्ड है इस वाले में, और इसका जो बोनस कंटेंट था वो भी है ग्रीन पेज, और अनुपम सिन्हा जी कलम से भी है, अदर थिंग्स भी है। मतलब ये एक काफ़ी अच्छा कलेक्टरेशन मुझे लगा अनुपम, ये जो अपने मनोज गुप्ता जी वाला भी एक अच्छा सेटिस्फैक्ट्री कलेक्टरेशन है। बस इसमें एक चेंज है, वो आपको पता ही होगा कि ये जो ग्रीन पेज था जो 319, तो जो एक्चुअल ग्रीन पेज था उसमें लास्ट में लिखा था, मैंने आपको बताया था आपका संजय गुप्ता करके वो था ना, ग्रीन पेज 319 आपका संजय गुप्ता राज कमीशन मेरा जुनून, यहाँ पे चेंज कर दिया था राज कमीशन हम सब का जुनून, वो ठीक है। मतलब उन्होंने उसको सब राज कमीशन तीनों भाइयों की मान करके सबकी मांगे किया, मतलब अपना नाम नहीं चिपकाया कि भाई संजय गुप्ता हटा करके मनोज गुप्ता करते हैं वो, बट ठीक अच्छा, मतलब एक वेरी गुड। तो मैं कंपेयर करना चाह रहा था, मुझे पता नहीं था, खुद को नहीं पता था कि किस तरह से क्या है क्या नहीं है, सब कुछ नया है पुराना है कुछ चेंज है, पर समझ में आ गया कि काफ़ी कुछ चेंज है, मतलब इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया है इस कलेक्टरेशन में, जो कि अच्छा प्रयास रहा है। तो इसी के साथ में मैं इस डिस्कशन को एंड करता हूँ, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी दिल के करीब है, इसलिए अभी इतने प्रोडक्ट लेने के बाद भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने क्यों ले लिए प्रोडक्ट से। तो एंड करता हूँ इस वीडियो को, आज काफ़ी लंबा वीडियो बना, पहली बार ऐसा वीडियो बना, मतलब बहुत टाइम से सिर्फ बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो डाल रहा था, पर मैंने खुद ने सोचा उसका पर्पज़ क्या है, मैं मेरा एडजस्ट कर रहा था, नई लोकेशन में बहुत सारी बुक्स हो गई है, पूरी एलमेरा भर गई है, बट स्टिल मैंने कहा इसका पर्पज़ यही होता है कि हम कम से कम देखें तो सही, पढ़ना तो बात की बात है कि वो जो जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं डिफरेंट एडिशंस ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, तो उनको देख एक साथ रख के देखें तो सही। तो उसी इच्छा से मैंने उनको रखा था और मैंने ये वीडियो बनाया, आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा, धन्यवाद।